जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग फंक्शन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें हम लोग फंक्शंस के डेफिनेशन को पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए जो अगला पॉइंट हमको पढ़ना है वो है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। और हमने देखा लास्ट क्लास में कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस को हम लोग फिर पांच पार्ट में कैटेगराइज किए हैं। तो उस पांचों फंक्शंस को हमको क्या करना है, एक एक करके वन बाय वन हमको उसको पढ़ना है, उसके बारे में जानना है, एक्चुअली उसके बारे में उसका डोमेन निकालना है। हो सके तो हम रेंज भी पता कर सकते हैं, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ रेंज भी लिखेंगे, और साथ ही साथ कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे चीज़ें आपको जानने को मिलती है। ठीक है, जब आप उस चीज़ को जान लीजिएगा तभी जाके आप उस फंक्शंस का आगे के जितने सारे भी डिफरेंशियल कैलकुलस के चैप्टर है उसमें उसका एप्लीकेशन आप इजी वे में कर सकते हैं। तो उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं, और जो अगला पॉइंट आपका आता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में वो है आपका, एक मिनट एक्सक्यूज मी, हाँ वो है आपका मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन ठीक है, ये क्या है, लेट एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, बी ए मैपिंग व्हिच इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन if mod of fx greater than equal to 0 for all x belongs to real number. This is the definition of the modulus of a function. So if fx is a function and we indicate the modulus of a function like that, that is, this is the modulus of the function, yeah, this is called the absolute value of the function fx, ठीक है, and this modulus of fx always greater than equal to 0 for all x belongs to real number, and this is the complete definition of the modulus function. So this is the indication and this is the definition of the modulus of the function. So यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर हमको इस फंक्शन का डोमेन लिखना है तो डोमेन आपका रियल नंबर हो जाएगा, और जिसके लिए फंक्शनल वैल्यू मतलब y का जो वैल्यू है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब यहाँ आप रेंज भी लिख सकते हैं, तो एंड जो रेंज होगा RF वो आपका हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी, जीरो क्लोज इन्फिनिटी ओपन, दैट इज आप कह सकते हैं कि रेंज जो है आपका नन निगेटिव है, मतलब जीरो या जीरो से बड़ा है। तो ये डोमेन भी क्लियर हो गया, रेंज भी क्लियर हो गया। इन पार्टिकुलर पार्टिकुलर ठीक है, एक फंक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं y इज इक्वल टू मोड एक्स, तो आपको बता दें ये जो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए डिफाइन है। अगर हम इसका ग्राफ देखना चाहें तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द मोड ऑफ x, एंड यू नो अबाउट दिस, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, मोड x का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोड x कैसे ट्रेस करते हैं ये भी जानना चाहिए। तो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज y इज इक्वल टू मोड ऑफ x, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से रेल के पटरी की तरह बना देते हैं इसको। तो दिस इज मॉड ऑफ एक्स। ग्राफ को देखकर भी आप बहुत सारे चीज डिसाइड कर सकते हैं। इसका डोमेन रेंज तो आप इजी वे में लिख सकते हैं। डोमेन कैसे लिखेंगे, तो जिस एक्स एक्स के उस वैल्यू पर जहां पे फंक्शंस का ग्राफ दिखता हो वहां पर उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। जरा सा गौर कीजिए, आपका कोई ऐसा एक्स नहीं है जहां पर कि ग्राफ नहीं है, और रेंज होता है वाई का वैल्यू, मतलब करस्पॉन्डिंग ग्राफ जो है स्टार्टिंग आपका कहाँ से हुआ है, वाई एक्सिस देखिए आपका जीरो से स्टार्ट हुआ है, और ग्राफ जो है ऊपर की तरफ गया है, मतलब वाई पॉजिटिव है। इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू है वो जीरो है और मैक्सिमम वैल्यू आपका इन्फिनिटी तक गया है, दैट्स वाई जो रेंज हो जाएगा वो जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर केस है जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। तो वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स हो गया, और ये मॉडुलस का ग्राफ हो गया, डोमेन आपका रियल नंबर है, और रेंज चाहें तो आप लिख सकते हैं
रेंज वही होगा जो हम ऑलरेडी पहले भी लिख चुके हैं, रेंज इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी, जीरो क्लोज इन्फिनिटी ओपन। तो दिस इज द मॉडुलस ऑफ द फंक्शन। ये एक पर्टिकुलर केस है, जनरलाइज्ड केस आपका कोई फंक्शन का मॉडुलस ले सकते हैं, ठीक है। और एक बात और बता दें, मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको आने चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको एक बार यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि फिर आपका वो चीज़ रिवीजन हो जाए। और इससे पहले भी मैं मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको बता चुका हूँ, आप अगर चाहें तो पीछे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मॉडुलस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको एक नज़र देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा था कि एक बार मैं आपको उसके प्रॉपर्टी से रूबरू करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैंने पहले इसको लिख लिया। पहला प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो, इसका मतलब हुआ कि मॉड ऑफ हमेशा क्या होगा, नन निगेटिव होगा फॉर ऑल रियल एक्स। दूसरा प्रॉपर्टी होगा कि किसी भी रियल एक्स का मॉडुलस लेंगे तो हमेशा उस रियल एक्स से बड़ा या बराबर होगा, ये तो बात तय है। कोई भी एक्स का, कोई भी रियल एक्स है, अगर आप मॉडुलस ले लेते हैं तो दैट विल बी आइदर ग्रेटर देन एक्स और इट विल बी आइदर इक्वल टू एक्स, दो ही बात हो सकती है। थर्ड, बहुत सारे टर्म है प्रोडक्ट में है, मॉडुलस लिखा हुआ है, तो इक्वल टू क्या होगा, हर टर्म का इंडिविजुअल मॉडुलस ले लीजिए, प्रोडक्ट में ले लीजिए, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, एक बार में आपको याद हो जाएगा। डिवीजन के फॉर्मेट में है, मॉडुलस लगा हुआ है, तो आप भी मॉडुलस को सेपरेट कर सकते हैं, बट मैथमेटिक्स का रूल है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। चलिए आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, x टू द पावर n होल का मॉडुलस। बता दें इस प्रॉपर्टी पे जेई वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो n को आप बाहर भी कर सकते हैं, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब पावर जो है आप अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, मॉडुलस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6, x प्लस वाई का होल का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस, मतलब इंडिविजुअल में मॉडुलस लगा के सम करोगे और यहाँ पे दोनों का प्लस करके मॉडुलस लगाएंगे तो ये टर्म या तो इससे छोटा होगा या तो बराबर होगा, कॉमन सेंस ही बात है। यहाँ पे इंडिविजुअली मॉडुलस लगा है तो दोनों आपका नॉन नेगेटिव हो गया, और दो नॉन नेगेटिव कभी भी आपको जुड़ता है तो ये हमेशा इंक्रीज ही करेगा, बट यहाँ जो है एक्स और वाई अननोन पैरामीटर है, दैट विल बी पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। इफ़ बोथ आर सेम साइन देन इन दैट केस, उस केस में दोनों जुड़ जाएगा, और अगर दोनों नेगेटिव है तब भी दोनों जुड़ जाएगा। इसका मतलब जब दोनों पॉजिटिव है तब दोनों नेगेटिव है तो उस केस में इक्वल टू का साइन आएगा, बट कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव होगा तो उस केस में इधर वाला एक्सप्रेशन बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो एक चीज़ तो यहाँ क्लियर हो गया कि इनइक्वालिटी साइन कब होल्ड करेगा, जब एक्स एंड वाई का सेम साइन होगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, एक्स माइनस वाई का होल का मॉडुलस दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई एंड होल का मॉडुलस, ओके। तो इस एक्सप्रेशन से ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ये यहां आ जाता है। आपको बता दें कि ये जो आपका जनरलाइज्ड फॉर्म है इससे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, और ये सिर्फ अलजेब्रा में ही नहीं, कैलकुलस, ये अलजेब्रा का पार्ट है एक्चुअली, कैलकुलस में आपका जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो वहां भी ये इनइक्वालिटीज आता है, और जनरली मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस इस तरह का होगा वो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि x प्लस माइनस वाई के मॉडुलस का मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो आंसर हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। अगर आपसे पूछा जाए कि x प्लस माइनस वाई का मिनिमम वैल्यू क्या है तो आप ये लिख सकते हैं माइनस x माइनस वाई का माइनस एक्स का मॉड माइनस वाई का मॉड का होल का मॉडुलस, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा डाटा है जिसका आप यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कर सकते हैं। सो लाइकवाइज प्रॉपर्टी नंबर 8, इफ ए इज रियल पॉजिटिव नंबर, रियल पॉजिटिव नंबर समझते हो, जीरो होना, जीरो से बड़ा होना चाहिए और कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा, तो इसका पहला पार्ट अगर ये है तो देन तब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं नंबर 1 कि मॉड ऑफ एक्स अगर कोई पॉजिटिव नंबर के बराबर हो जाए तो एक्स का वैल्यू उस नंबर के नेगेटिव पॉजिटिव के बराबर हो जाएगा, दैट इज मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इफ एंड ऑनली इफ, इंप्लाई का साइन दोनों तरफ, एक्स इज इक्वल टू आइदर प्लस और माइनस ए। मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए हो जाता है तो उस केस में एक्स का वैल्यू माइनस ए प्लस ए के बीच में होगा, मतलब कोई मॉडुलस ऑफ एक्स किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है तो एक्स जो है उस नंबर के नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में होगा। हो सके तो ये प्रॉपर्टी नंबर 8 और प्रॉपर्टी नंबर 9 इन दोनों को रट्टा मार लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन डोमेन रेंज का अगर मॉडुलस से रिलेटेड रहता है तो इसी प्रॉपर्टी से बनता है,
ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस कर रहा है। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपका क्या हो रहा है, यहीं से टैकल होता है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3, मॉड ऑफ एक्स अगर ए से बड़ा है तो एक्स का वैल्यू या तो माइनस ए से छोटा होगा या तो प्लस ए से बड़ा होगा, मतलब बीच में नहीं होगा। पॉजिटिव हो गया तो माइनस से छोटा होगा और प्लस से बड़ा हो जाएगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 9, अगर ए आपका रियल नेगेटिव है, नेगेटिव रियल नंबर है, मतलब -2, -3, -2.5 इस तरह से हो जाए, तो मॉड ऑफ एक्स कभी नेगेटिव होगा? असंभव वाली बात है। इसका मतलब एक्स का सॉल्यूशन क्या होगा? फाई। फाई इंडिकेट्स फॉर द नो सॉल्यूशन। कभी भी नो सॉल्यूशन लिखना है तो हम लोग इंडिकेट करते हैं एक सिंबल से जो कि आपका फाई होता है। चलिए आइए, मॉड ऑफ एक्स जब नेगेटिव के बराबर ही नहीं हुआ तो नेगेटिव से छोटा कैसे हो जाएगा जी? तो इसका मतलब यहाँ भी सॉल्यूशन आपको क्या मिल जाएगा? फाई मिल जाएगा। नेक्स्ट, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए। मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है नॉन नेगेटिव। ऑब्वियसली जो नॉन नेगेटिव डाटा है वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। और कभी भी मैथमेटिकल ट्रू स्टेटमेंट आता है तो सॉल्यूशन उसका हमेशा रियल नंबर होता है, इसलिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है? रियल नंबर होगा। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 10। आपको बता दें मॉडुलस में 10 ही प्रॉपर्टी है, यही आपको माइंड में सेटअप करना है। तो 10वां प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों तरफ मॉडुलस लगा हुआ हो। ठीक है, तो आप इसको बनाना है तो क्या करोगे? तो आराम से दोनों तरफ से मॉड हटाइए और किसी एक तरफ प्लस माइनस का साइन लिख दीजिए और उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो दीज आर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। विदाउट नोइंग दिस प्रॉपर्टी यू कांट हैंडल द प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स लाइक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मॉडुलस आइदर इन अलजेब्रा और इन कैलकुलस और एनी वेयर यू वॉन्ट। जब भी आप जहाँ भी देखें आप नहीं बना सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत हेल्प करेगा, ये बहुत कमाल का चीज़ है। ठीक है, तो हो सके तो इसको आप याद कर लीजिए, चाहे जो भी तरीके से याद करें ये आपका बस का बात है, आप ही कर सकते हैं। मैथ याद कर चुका हूँ, आपको करना है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में, इसका नाम है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्लोज हो गया, ये एक्स्ट्रा चीज था मैंने बता दिया, पहले भी किए हुए हैं। हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैंने कहा फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको बता दें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, खास करके डोमेन्स रेंज का, जिसमें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व रहता है। आगे चल के कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, डिफ्रेंसिबिलिटी पढ़ेंगे, तो वहाँ भी ये सब फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। इसलिए इस फंक्शन का आपको क्लियर कट नॉलेज होना चाहिए, इसका डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। चलिए तो इसको पहले हम डिफाइन करते हैं। लेट एक्स बी एनी रियल नंबर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन को हम लोग शॉर्ट में GIF पढ़ते हैं। ई देन GIF ऑफ एक्स इज डिनोटेड एंड डिफाइनस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, कोई भी x है बिग ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहने का मतलब किसी भी रियल x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उस x से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब यहाँ पे एक चीज और इंडिकेट हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x में जो डोमेन होगा वो आपका रियल नंबर होगा। ठीक है, एक बात मैं आपको एडवांस में बता दूं कि जितने भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, पांच पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, पांचों पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का जो डोमेन होगा वो आपका रियल नंबर होगा। इसलिए पहले भी आपने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा, वहाँ भी डोमेन रियल नंबर है था, और अभी आप पढ़ रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ भी डोमेन आपका रियल ही नंबर है। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एंड दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आया तो मेरे पास एक और भी मेथड है जिसके हेल्प से मैं आपको इसको और डिटेल से क्लियर कर सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्चुअली है क्या। तो इसके लिए हम लोग यहाँ दिखेंगे, इन अदर वर्ड दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एन इज एनी इंटीजर सच दैट, एन कोई इंटीजर है, एक्स एक रियल नंबर है और एन एक ऐसा इंटीजर है
कि x जो है वो आपका n माइनस वन से सॉरी ये कह सकते हैं कि n से बड़ा है या बराबर है बट n प्लस वन से क्या है छोटा है। मतलब x एक रियल नंबर है, n एक इंटीजर है, x एक ऐसा इंटीजर रियल नंबर है जो कि इस दोनों आपको बता दें n और n प्लस वन दो कंजुकेटिव इंटीजर्स हो गए। जैसे n अगर 2 है तो n प्लस वन 3 होगा। तो x एक ऐसा रियल नंबर है जो 2 और 3 के बीच में है। जरा सा गौर कीजिए, आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक ए रियल नंबर, ऑब्वियसली वो रियल नंबर हमेशा कोई ना कोई दो कंजुगेटिव नंबर के बीच में, दो कंजुगेटिव इंटीजर के बीच में होगा। जैसे मान लीजिए आप 3.5 लेते हैं तो 3.5 जो है वो 3 और 4 के बीच में है। मान लीजिए कि आप क्या ले लेते हैं 277.999, तो 277.999 जो है वो 277 और 278 के बीच में है। मतलब आप जो भी एक रियल नंबर चूज करेंगे दैट विल मस्ट लाई इन बिटवीन टू कंजुगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ऐसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि आप जान रहे हैं और मैं आपको दिखा भी बता भी रहा हूं। तो x एक ऐसा रियल नंबर है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब कोई दो कंजुगेटिव इंटीजर के बीच में है। तो देन तब कहता है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा उस केस में n के बराबर हो जाएगा। अगर ये सिचुएशन आपको कहीं भी मिलता है और तब आपसे पूछा जाता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू बताइए, तो दैट विल बी n, मतलब जो लोअर वाला छोटा वाला जो इंटीजर होगा वही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। और अगर आपको बात तब भी समझ में नहीं आए तो उसके अलावा भी मेरे पास एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो यहां लिखेंगे ग्राह मतलब डायग्राम से, तो डायग्राम में टिकली डायग्राम से आपको दिखाते हैं। इसका क्या कंडीशन है कि हम लोग यहां पे दो लाइन कंसिडर करते हैं, ये दोनों लाइन जो है इंडिकेट करेगा दो कंजुकेटिव इंटीजर का। ऑब्वियसली n जो है नीचे होगा और n प्लस वन उससे ऊपर होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए, इसको याद रखने के लिए हम करते क्या है कि हम जहां भी कहीं ना कहीं तो हम खड़े हैं और हमारे ऊपर मान लो कि छत है और नीचे फर्श है, ये जो n है इसको बोला जाता है फ्लोर, ठीक है, और n प्लस वन को हम लोग बोलते हैं रूफ। तो एक आपका रूफ हो गया और एक आपका फ्लोर हो गया, क्लियर। चलिए आइए, रूफ और फ्लोर के बीच में कोई भी x अगर रखते हैं तो ड्यू टू ग्रेविटी वो आपको कहाँ फॉल करेगा, तो 100% वो आपका फॉल होकर के फ्लोर पे आ जाएगा। चलिए आइए, अब क्या करते हैं, कोई जो x है खुद फ्लोर पे ही है तो फ्लोर पे ही रहेगा, मतलब फ्लोर और रूफ के बीच में है तो ग्रेविटी से वो फ्लोर पे आ गया, फ्लोर पे है तो ऑलरेडी फ्लोर पे रहेगा। अगर हम छत से छू छत को क्या करते हैं टच करके छोड़ देते हैं, मान लें कि फेविकॉल नहीं चिपका है, तब भी वो क्या होगा, तब भी उसको नीचे आना है और नीचे आके कहाँ आ जाएगा, फिर वो फ्लोर पे आ जाएगा। लेकिन मान लो कि हम सीढ़ी से चढ़ के उस ऊपर के जाके छत में रख दिए, ठीक है, हम क्या करते हैं एक्स को जो है छत पे जाके रख देते हैं, तो बताइए ये वाला जो छत वाला है ये नीचे आएगा, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब छत और फर्श के बीच में जो भी एक्स है उसका आंसर आपको हमेशा कहाँ मिलेगा, फ्लोर पे मिलेगा। और यही कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यही कारण है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज आल्सो नॉन एज फ्लोर ऑफ एक्स। यही कारण है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को हम लोग फ्लोर ऑफ एक्स भी बोलते हैं। तो आई होप कि अब नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट रह गया होगा इसको समझने में कि क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, आई होप कि आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं फिर उसका डोमेन और रेंज देखते हैं। चलो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू लिखते हैं। मान लो कि एक्स का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है, 0 क्लोज 1 ओपन,
तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होगा? जीरो। अभी जस्ट हम लोग देखे हैं दो इंटीजर के बीच में रहे तो हमेशा फ्लोर आंसर होता है। अब x का वैल्यू 1, यहाँ 1 ओपन है तो यहाँ 1 क्लोज किए हैं और 2 ओपन करेंगे, तो x का वैल्यू अगर 1 और 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए अब हम x का वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच में ले रहे हैं, 2 क्लोज कर रहे हैं 3 ओपन कर रहे हैं, तो इस केस में x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना होगा? वो 2 होगा और ये सिलसिला आपका चलता जाएगा। ठीक है, हम बैक पीछे भी तो जा सकते थे कि x का वैल्यू अगर -1 से 0 तक है, -1 क्लोज 0 ओपन, तो उस केस में x का वैल्यू कितना हो? -1 हो जाएगा। फिर और आइए, x का वैल्यू अगर -2 और 1 है, -1 -2 क्लोज -1 ओपन, तो यहाँ आपका -2 हो जाएगा और ये पीछे से आते रहेगा आपका। तो इस तरह से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को लिख सकते हैं। आप अगर इसका ग्राफ देखना चाहें, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरह से होता है, ये आप मेमोराइज कर लीजिए। जब 0 से 1 है तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, तो याद कीजिए ये है 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना हो गया? 0, तो ये हो गया 1। और जैसे ही हम 1 से 2 जाएंगे तो 1 यहाँ देखो ओपन था, इसका मतलब यहाँ 1 क्या होगा? वैकेंट हो जाएगा, 1 पे ग्राफ नहीं है, 1 नहीं है तब 0 है, लेकिन 1 पर कितना है? 1, तो इसका मतलब जब x का वैल्यू 1 से 2 होगा, जब x का वैल्यू 1 से 2 होगा तो उस केस में 1 पर 1 मिल गया और 1 से 2 के बीच में 1 हो जाता है, फिर यहाँ क्या होगा? आपका वैकेंट हो जाएगा क्योंकि 2 पे ग्राफ आपका 1 नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया 1। ओके, फिर आइए 2 से 3 जाते हैं तो वैल्यू हो जाता है 2, तो हम एक यूनिट यहाँ से ऊपर उठेंगे, फिर यहाँ पे डाटा आपको मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका, फिर 3 के पास क्या होगा? वैकेंट हो जाएगा। ये सिचुएशन है आपका। तो ये जो आप देख रहे हैं दिस और ये आगे चलते जाएगा, पीछे जाइएगा तो यहाँ डाटा मिल गया है, तो फिर यहाँ आपको क्या मिलेगा? वैकेंट, और फिर यहाँ ऐसे आ जाइए, फिर यहाँ पर डीप हो जाएगा और फिर जस्ट इसके नीचे जाएंगे, फिर यहाँ वैकेंट हो जाएगा और फिर यहाँ आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपको कहाँ मिलेगा? ये वैल्यू मिलेगा -1 पे, और फिर ये वैल्यू कहाँ मिलेगा? ये वैल्यू मिलेगा आपको -2 पे, ये -1 यहाँ पे आ जाएगा -2। तो दीज आर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। सो इतना तो क्लियर हो गया कि जो डोमेन होगा वो आपका रियल नंबर होगा, क्योंकि कोई भी x ऐसा नहीं है जो हम यहाँ छोड़े हैं। ठीक है, तो दिस इज रियल x, तो डोमेन हो गया रियल नंबर। और जहाँ तक रेंज की बात है, वो रेंज आपको देख सकते हो, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, नाम से ही स्पष्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आंसर हमेशा आपको इंटीजर मिलेगा, इसलिए इंटीजर के सेट को हम लोग किससे दिखाते हैं? आई से, तो रेंज आपका आई हो गया। ठीक है, तो डोमेन हो गया रियल नंबर, रेंज हो गया आपका इंटीजर। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड यू कैन एक्सप्लेन या यू कैन राइट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लाइक दिस। अब जरा सा गौर करो, क्यों हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पीस वाइज बोलते हैं? आप ही बताइए, ये फंक्शन पीस में ही ना टूटा हुआ, देखिए पीस टू पीस आपका क्या है? डिफाइन है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम नाम पीस वाइज दिए हैं तो कोई ना कोई तो रीजन होगा, रीजन बस यही है कि हर फंक्शन को हम लोग पीस वाइज डिफाइन किए हैं, इसलिए वो पीस वाइज डिफाइन फंक्शन कहलाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको डेफिनेशंस और ये ग्राफ, डोमेन, रेंज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे का कंटेंट देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो आपको आना चाहिए, तो इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। x प्लस एन का ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एन। इस बात का ध्यान रहे, n इंटीजर होगा तभी आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर माइनस ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो दैट विल बी माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऐसा आप तब लिख सकते हैं जब x आपका निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, सॉरी जब x इंटीजर होगा तो दिस इज इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, मतलब माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। लेकिन x आपका फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है, तो उस केस में माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रल x और माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर, चलिए ये चारों 4 नंबर से 7 नंबर तक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डोमेन का क्वेश्चन बनाइएगा तो इन्हीं चारों में से जनरली क्वेश्चंस आपके बनते हैं,
और ये सब याद रखने के लिए इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको आप एनालिसिस करके भी याद कर सकते हैं। जरा सा गौर कीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू n से बड़ा या बराबर होना चाहिए। हमको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद इंटीजर होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू किसी इंटीजर से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो अगर कहेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, तो हम 3 के नीचे जाएंगे क्या? क्योंकि 3 के नीचे जाएंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू मैंडेटरी है कि हमको 3 लेना पड़ेगा या 3 से ऊपर लेना पड़ेगा। तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू n से बड़ा या बराबर है, तो x का वैल्यू भी n से बड़ा या बराबर ही होगा, जो कि ये कह रहा है आपका n जहां इंटीजर है। नेक्स्ट आई, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू n से बड़ा है। आपको बता दें ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑलवेज ए इंटीजर। तो कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर कहता है 5 से बड़ा है, इसका मतलब वो स्टार्टिंग कहां से हो सकता है? पॉसिबिलिटीज 6 से। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन n, तो इसी बात को हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब बताइए इसमें और इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। यहां इंटीजर की जगह पे n था, तो यहां पे आंसर n हो गया। या इंटीजर की जगह पे n प्लस 1 है, तो यहां आंसर n प्लस 1 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू n, हमको n चाहिए, याद कीजिए हमको 3 चाहिए या 3 से छोटा चाहिए। तो 3 कब मिलेगा? जब हम 4 तक जाएंगे, 4 के छत, 4 को छत मानते हैं और छत के नीचे रहते हैं या छत तक सटा देते हैं। इसका मतलब अगर हम x का वैल्यू 4 लेते हैं, 4 से नीचे लेंगे, तो उस केस में डाटा हमको 3 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा और नेगेटिव जितना भी इंटीजर है। तो अगर x ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू n तक जाना है या n तक लेना है, तो x का वैल्यू n प्लस 1 तक जा सकते हैं, बट इक्वल टू का साइन यहां नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। सिमिलर वे प्रॉपर्टी नंबर 7, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर n से छोटा है, याद कीजिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से छोटा है, तो स्टार्ट कहां से होगा? 4 होगा। तो हम लिख सकते हैं अगर n से छोटा है, तो इसका मतलब ये n माइनस 1 से स्टार्ट होगा और उसके नीचे वाला टर्म होगा। अब बोलिए इसमें इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। यहाँ इंटीजर n है, तो यहाँ n माइनस 1 है। अगर यहाँ n है, तो आंसर यहाँ n प्लस 1 हो गया। यहाँ n माइनस 1 है, तो आंसर यहाँ n हो जाएगा। कोरिलेट कर सकते हो आप। चलिए x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटर देन, कोई भी आप नंबर x और y रियल नंबर लेके चेक कर सकते हैं, ये डाटा आपको फुलफिल करेगा। उसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाई n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसको आप इतना लिख सकते हैं जहां n क्या है? नेचुरल नंबर है। आपको बता दें प्रॉपर्टी नंबर 9, 10 और प्रॉपर्टी नंबर 11, ये डायरेक्ट आपको स्टेट बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है? तो ये आपको आना चाहिए। n प्लस 1 बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n प्लस 2 बाई 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n प्लस 4 बाई 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर हो जाता है n। ध्यान रहे यहाँ n आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल में पूछा गया था, वेस्ट बंगाल JEE में, ठीक है, जब मैं पहली बार एग्जाम दिया था, ठीक है। और मैं उस क्वेश्चन को बना के आया था क्योंकि मुझे पता था कि ये इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x प्लस 1 बाई n का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x प्लस 2 बाई n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सॉन कहाँ तक जाएगा? तो n से जस्ट पीछे वाला, तो n से जस्ट पीछे n माइनस 1 होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जहाँ n क्या है? आपका नेचुरल नंबर। तो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस एंड यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दिस If you want to deal the problems of problems related to the greatest integer functions, so you must remember this type of, especially property number 4, property number 5, property number 6 and property number 7, ठीक है? तो ये चारों property खास करके आपको याद करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर questions domain के आपको इसी पे बनते हैं, इसी से related रहते हैं, ठीक है? चलिए आइए इसको एक नजर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। यहां लिखेंगे लेट x बी एनी रियल नंबर देन फ्रैक्शनल पार्ट function of x is denoted and defined as, fractional part function को हम लोग ऐसे denote करते हैं, curly bracket में अगर x को लिख दिए तो this is fractional part function। और fractional part functions को define कैसे करेंगे? तो ये 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1 से छोटा होगा फॉर ऑल x belongs to real number। डोमेन लिखने के लिए आपको हम पहले ही बता दिए थे कि जितना सारा भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, सारे केस में डोमेन आपका कॉमन है, दैट इज रियल नंबर। तो डोमेन आपका हो जाएगा क्या? रियल नंबर। और आपको रेंज पता चल गया 0 से 1।
तो यहाँ पे आप एक चीज़ कह सकते हैं कि डोमेन जो है आपका रियल नंबर हो गया और जो रेंज है वो आपका 0 से 10 क्लोज 1 ओपन हो गया। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए एक चीज़ तो क्लियर है, आप यहाँ से इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। क्या ग्राफ है? y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ जो है वो इस तरह से होता है। ये आपका 0 हो गया ऑरिजिन, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, इस लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सही कर देते हैं। ये एक लाइन आप ले लीजिए y इज इक्वल टू 1, दिस इज y इज इक्वल टू 1। क्योंकि जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ जब आप खींचेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ये होता है। 1 कभी नहीं होगा, 1 के पास वैकेंट, फिर जस्ट नीचे आइए ये 1 हो गया, यहाँ से इधर जाइए फिर यहाँ वाला आपको वैकेंट मिल जाएगा, जस्ट उसके नीचे फिर यहाँ से आइए फिर यहाँ आपको वैकेंट मिल जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2, ये पॉइंट हो जाएगा 3, फिर बैक आइए आप यहाँ पे वैकेंट, ये पीछे आइए, ठीक है, ये हो जाएगा -1, जस्ट ऊपर आओ यहाँ पे वैकेंट हो जाएगा, फिर यहाँ आइए ये हो जाएगा -2। तो ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से, ये सब किसका ग्राफ है? वाई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इतना तो तय है कि डोमेन रियल नंबर है और रेंज आपका कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तक। सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्लियर, कुछ और जानकारी लेते हैं, इसको आप मिटा देते हैं। चलिए एक नोट देख लो, किसी भी रियल एक्स का, इफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसी भी रियल एक्स का दो पार्ट होता है, एक होता है इंटीग्रल पार्ट और दूसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, और ये जो है आपका, ये है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, किसी भी रियल एक्स का दो पार्ट होता है, एक होता है इंटीग्रल, दूसरा होता है फ्रैक्शनल। तो यहाँ से आप कोई भी एक्स, जैसे मान लो कि आप जो है 2 लिखते हैं, एज फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 2 खुद ग्रेट इंटीजर है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। अगर आप 2.5 लेते हैं तो 2.5 2 और 3 के बीच में है, तो फ्लोर हो गया 2, तो और 0.5 आपका क्या हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अगर आप 3.75 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5 का 3 और फ्रैक्शनल पार्ट 0.75 हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव नंबर है, चाहे वो फ्रैक्शन हो या इंटीजर हो, तो इंटीग्रल लिख सकते हैं और फ्रैक्शनल डेसिमल के बाद जो रहेगा वही उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। अब आते हैं 0 में, 0 खुद एक इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 हो जाएगा। निगेटिव इंटीजर -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, फ्रैक्शनल पार्ट 0। लेकिन अगर -2.5 लिखते हैं तो इस केस में क्या होगा? -2.5 -3 और -2 के बीच में है, इसलिए फ्लोर आपका क्या हो गया? -3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -3 और फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शनल का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है, तो जो भी होगा पॉजिटिव होगा। आप ही बताइए, -3 में 0.5 ऐड करेंगे तब ना -2.5 होगा। बहुत लोग क्या करता है, यहाँ -2 लिखेगा अब +0.5 लिखेंगे तो ये -1.5 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा -2.75, तो -2.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 और +0.25। जरा सा गौर कीजिए, नेगेटिव नंबर में डेसिमल के बाद जो दिखता है फ्रैक्शनल पार्ट वो नहीं होता है, 1 - this हो जाता है। तो ये जो 0.1.25 है इसको हम लिख सकते थे 1 - 0.75। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 - 0.75, मतलब जो दिखता है उसमें से 1 में से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं -4.45, तो -4.45 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? -5, और फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? तो आप क्या करेंगे, यहाँ 1 में से पॉइंट कितना करेंगे? 4.5 घटा देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 0.55 हो जाएगा। तो ये टेक्निक है किसी भी एक्स को बाइफर्केट करने का, इंटीग्रल और किस में? फ्रैक्शनल पार्ट में। एक नोट यहाँ से क्लियर हो जा रहा है, ये नोट आप देख सकते हो, ठीक है, ये नोट नंबर 1 था, ये नोट नंबर 2 है। किसी भी इंटीजर का, कोई भी इंटीजर ले लो, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना दिख रहा है? 0। तो कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। आप एक फ्रैक्शन ले लीजिए, खुद 0.75 ले लीजिए, 0.75 फ्रैक्शन है तो इसका इंटीग्रल पार्ट 0 हो गया
और फ्रैक्शनल पार्ट 0.75 हो जाएगा। तो कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट है उसका इंटीग्रल पार्ट जीरो हो जाता है। तो दूसरा प्रॉपर्टी है कि फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें फ्रैक्शनल से रिलेटेड जो आपको आना चाहिए। कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो लिस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग को जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन सिर्फ मैं उसके डेफिनेशन को आपको बता दूं, उसको समझा दूं। जिस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा फ्लोर होता है, लिस्ट इंटीजर हमेशा रूफ होता है। कहने का मतलब, इसको अगर हम लॉजिकली याद रखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में बैलून में ऑक्सीजन गैस भरा हुआ रहता है इसलिए फ्लोर पे गिरता है, और लिस्ट इंटीजर के केस में बैलून में हाइड्रोजन गैस भरा हुआ रहता है इसलिए हाइड्रोजन गैस भरा हुआ बैलून को छोड़ोगे तो छत पे जाके चिपक जाएगा। इसका मतलब लिस्ट इंटीजर का मतलब हमेशा, उसको हम लोग बोलते हैं रूफ ऑफ एक्स। जिस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर को बोलते थे फ्लोर ऑफ एक्स, तो लिस्ट इंटीजर को बोलते हैं रूफ ऑफ एक्स। यही है आपका पीस वाइज डिफाइन फंक्शंस, ठीक है, ऑफ दी अलजेब्रिक फंक्शंस। ये आपका कहानी खत्म हो गया। इन सारे ही केस में पीस वाइज में डोमेन हमको पता चल गया कि रियल नंबर होता है, रेंज जो है वो हर के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, खास करके डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं तो ये लेक्चर आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम बनाएं। ठीक है, तो लास्टली आई वांट टू से कीप वॉचिंग माई वीडियोज, एंड अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपडेट्स आपको मिलते रहे। और लास्ट में यही कहेंगे कि स्टे होम एंड सेफ, घर में रहिए, सेफ रहिए, एंड हैप्पी लर्निंग।